तो दोस्तों हम लोग रूम पे आ गए हैं, अराउंड 12 बज गए रूम पे आते आते, और अभी निकल रहे हैं गाड़ी लोड करके भोपाल इंदौर सीधा। कुछ बचा तो नहीं? ना, कुछ नहीं। बाप रे, दिस इज़ फॉर सेफ्टी। अगर सपोज कभी ज़ोर से कोई स्पीड ब्रेकर में गया या फिर और कुछ हुआ तो डब्बा उड़ के इधर उधर नहीं जाएगा। यस दोस्तों, तो निकल गए हम लोग, अभी गाड़ी के ऊपर बैठ के 12:07 हो रहा है और गूगल बता रहा है सुबह हम लोग 10 बजे अपने उल्लासनगर में रहेंगे, दैट इज़ मुंबई। सो यस, देखते हैं यार, रोड तो अच्छा होना चाहिए। 1300 किलोमीटर है और गूगल टाइम बता रहा है 22 आवर्स। इन 300 मीटर्स एट द राउंड अबाउट टेक द सेकंड एक्सिट ऑन टू ताज रोड। ये इसमें चार्जिंग नहीं है, सो मैंने पावर बैंक रखा है अपना यहाँ पे एंड ऐसे चार्जिंग को लगा दिया उसको। ताजमहल देखने में बहुत मज़ा आया। पहले तो जब हम लोग गए तो पूरा फॉग लगा हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके बाद जब ही वो फॉग निकला वहाँ से, वाव यार क्या ब्यूटीफुल दिख रहा था, क्या ब्यूटीफुल दिख रहा था ताजमहल, मज़ा आ गई। भी उतना हुआ होगा ऑब्वियसली। आज का फर्स्ट ब्रेक, अराउंड 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। गाड़ी पूरा पेट्रोल भर दिया दोनों गाड़ियों में एंड रोड तो काफ़ी अच्छे हैं, बट जब भी कोई लाइक सिटी या गाँव आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा पब्लिक को रोड सेंस नहीं है, कैसे चलना है क्या चलना है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है। बट फिर उसके बाद जैसे ही खुला रोड मिल जाता है तो फिर से गाड़ी को जो भगाना है वो शुरू कर देते हैं। तो ऐसे चल रहा है, ये रोड थोड़ा है डिफ़िकल्ट, लेकिन ठीक है आई गेस कि आगे जाके जब भी झांसी के आगे या ग्वालियर के आगे बड़ा रोड लगता है तो और अच्छे से गाड़ी चला पाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऐसा बुरा झमूल लग जाता है इधर भी जाता है। कुछ रह तो नहीं गया ना पीछे, कुछ छोड़ा तो नहीं? हाँ बराबर। भाई ये किधर किधर से लेके जा रहा है गूगल यार। यार वो भी फोर व्हीलर मोड पे डाला है मैंने, पता है बाइक पे कभी डालने का नहीं, वो बाइक मोड तो कभी डालने का नहीं, हाईवे पे तो कभी नहीं डाले। अपने अपने सिटी में रहेगा तो बाइक मोड ठीक है, बाकी हाईवे पे कभी बाइक मोड नहीं डालने का भाई, किधर भी लेके जाता है। ये देख इधर से अच्छा रोड रहेगा। गाइस मुंबई मोर 192 किलोमीटर एंड जस्ट झांसी को बाईपास किया है हम लोगों ने। रास्ते का हालत अभी तो ठीक ठाक लग रहा है, बट पीछे जो हम लोग आए भाई ग्वालियर से झांसी तक, बहुत ही ख़राब रास्ता था, पूरा रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन था। एनीवे चलो अभी अच्छा रोड मिल गया है तो अभी इंजॉय करते हैं रोड को। झांसी लेफ्ट 23 एंड हमें जाना है राइट टूवर्ड्स दिस इंदौर। On National Highway 27 for 6 kilometers. Okay, only 6 kilometers. Okay. अभी गूगल ने फिर से मेन हाईवे छुड़वा दिया है, वो गया उधर मेन हाईवे। अरे फिर से कोई तो छोटा सा रोड है। एनीवेज गाइस, मैं ये रोड को कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, आपको सीधा भोपाल मिलता हूँ। ओके गाइस, बाय। वही तो ना, वही तो देख रहा था, वही तो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ।
भाई रोड अच्छा है, खड्डा खुड्डा नहीं है, लेकिन है ना भाई लफड़ा बहुत है। हेलो दोस्तों, सॉरी इस तरह से बीच में वीडियो के आने पड़ रहा है, बट कुछ हालात ऐसे हो गई कि जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। एक्चुअली दोस्तों, झांसी के बाद जो मैंने लेफ्ट लिया है, जैसे कि आपने अभी वीडियो पे देखा, उसके बाद जो रोड था अराउंड भोपाल 300 किलोमीटर था, एंड वो 300 किलोमीटर सिंगल लेन रोड था, पूरी तरह से गांव-गांव से जाता हुआ रोड। तो यार इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था वो रोड के ऊपर। और उसी के साथ रात के टाइम पे एक हमारे साथ पंगा हो गया, मेरे साथ जो राजन भाई था, राजन भाई का एक्सीडेंट हो गया। एक बाइक वाले को वो सीधा पीछे से जाके ठोक दिया। एक्चुअली गलती वो बाइक वाले की थी, राजन भाई मुझे फॉलो कर रहे थे, वो पीछे थे और मैं आगे था, एंड एक बाइक वाला सडनली ट्रिपल सीट के ऊपर बीच में घुस गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि रोड के बाजू में एक बाइक के ऊपर तीन जन बैठे हुए थे, जैसे ही मेरी गाड़ी क्रॉस हुई तो उन्होंने यू टर्न के लिए कोशिश किया, और पीछे से राजन अराउंड 80-90 के स्पीड से आ रहे था, तो राजन ने उनको ठोक दिया। और फिर लाइक क्या बताओ यार, एकदम मतलब लाइक थैंक गॉड कि राजन को कुछ हुआ नहीं। राजन ने पूरी राइडिंग गियर्स और जैकेट और हेलमेट सब कुछ पहना हुआ था, तो राजन को इतना सा भी खरोच नहीं है। बट जिनको राजन ने ठोका, जो पीछे वाला बंदा था, उसके पीठ में हैंडगार्ड लग गया था, तो लाइक उसको थोड़ा ज़्यादा चोट लगी थी। स्टिल हमने कैसे तो करके मैनेज करके वहाँ से निकल गए। सो दैट्स वाई गाइज, ऑलवेज वेयर हेलमेट्स। पता नहीं ऐसे पागल लोग कब रस्ते के बीच में आ जाएंगे। एक्चुअली ये जो हमारा दिन था, ये आप एक बैड डे बोल सकते हो कि यार ऐसा हो गया हमारे साथ। और मेन तो 300 किलोमीटर का जो सिंगल लेन रोड था, तो उससे पहले दिमाग खराब हो चुका था, एंड बाद में ये सब। थैंक गॉड कि सेना भी हम दोनों का कनेक्टेड था, तो जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ, मुझे सेना में सुनाई दिया कि राजन भाई किधर तो गिर रहे करके। सो मैंने फटाफट गाड़ी रोक के रिटर्न आके राजन भाई को उठाया, एंड देन उसके बाद वो जो तीन लड़के थे वो तो वहाँ से जस्ट भाग गए। यार मतलब आपकी वजह से कोई गिरा है, जस्ट भाग गए। बट ठीक है, मीन्स इट्स क्या बोलने का अभी यार, मतलब भगवान की दुआ है और आप सबका प्यार है कि कुछ हुआ नहीं। अगर राजन को उस दिन लग जाती ना यार, तो मतलब अभी क्या बताओ आपको, सब ये सब मेरे ऊपर ही रहता, क्योंकि यार मैं राजन को लेके गया था मेरे साथ। एनीवेज राजन की मॉम भी ये वीडियो देख रही है, आंटी जी कुछ लगा नहीं था ज़्यादा, सो प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा। एंड यस गाइस, आप भी जो ये वीडियो देख रहे, पूरे राइडिंग गियर्स पहन के ही निकलो। मैं एक्चुअली ये राइड पे अगर आप देखोगे तो मैंने नी गार्ड्स नहीं डाले हैं, क्योंकि यार मुझे लगता था कि मैं कभी गिरता नहीं हूँ, कुछ नहीं, तो खाली पीली वो नी गार्ड्स का क्यों लेके चलूँ, तो इसलिए मैं नी गार्ड्स नहीं लेके गया था। बट राजन ने अगर नी गार्ड नहीं पहना होता तो राजन के घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द से लगता। सो यार लाइक राइडिंग गियर्स बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं अभी राइडिंग पैंट लेने वाला हूँ, नया राइडिंग जैकेट की सर्च में हूँ, कौन सा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको पता रहेगा। सो यार सॉरी, ये बीच में मुझे वीडियो में आके आप सबको बताना पड़ रहा है। तो हमने क्या किया कि जैसे ही भोपाल पहुँचे, मूड डाउन हो गया था बिल्कुल, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था गाड़ी चलाने को। सो मुंबई तक रात में ट्रैवल करना तो मतलब बिल्कुल नो नो था, दैट्स वाई हम लोग भोपाल रुक गए, भोपाल में एक होटल लेके के रुक गए। नाउ ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको लेके जाएगा सीधा भोपाल के होटल के यहाँ पे सुबह मॉर्निंग का टाइम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम भोपाल, 7:20 हो गए सुबह के। रात को हमें एक्चुअली जो रोड मिला उसकी वजह से हम लोग भोपाल में ही रुक गए। तो अभी है भोपाल टू मुंबई अराउंड 770 किलोमीटर के आसपास हमें दिखा रहा है। होप्सो कि आज पूरा का पूरा बड़ा हाईवे ही मिले, जिससे डबल लेन रोड, जिससे हमें ज़्यादा थकावट ना फील हो हम लोग जब भी मुंबई की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। और यस, ये रहेगा हमारा लास्ट डे आज की जो ट्रिप थी, राजस्थान, अमृतसर, पंजाब, देन दिस आगरा एंड बैक टू मुंबई। तो आज का ये लास्ट दिन है, एंजॉय करो दोस्तों। उसके बाद ये जो भी ट्रैवल ब्लॉग्स है ये ख़त्म हो जाएंगे फॉर अराउंड 1 या 2 महीने तक, क्योंकि यार आगे के राइड के लिए पैसे भी तो बचाने हैं। थैंक यू विजिट अगेन। और ये मैं बस लेन में घुस गया था गलती से। नाउ आई गेस ऐसा ही रोड रहेगा यार, ऐसा तो कम से कम डबल लेन रोड तो होना चाहिए यार। कल हमने 300 किलोमीटर सिंगल लेन रोड, अरे बाप रे। हाँ जो हॉरिबल था वो सिचुएशन, क्या बताऊँ आपको। एक्चुअली कर नाइट को ही मेरा प्लान था कि नहीं रुकेंगे, सीधा मुंबई जाएंगे, बट जो कुछ भी हुआ आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पे तो पता ही चल गया, जो भी हुआ अपने गाड़ी के साथ, नॉट मेरे बट मेरे फ्रेंड के गाड़ी के साथ। तो दैट्स वाई
तो अच्छा मैंने यहीं पर रुकना सेफ समझा, भोपाल में रुक जाते हैं, कार को खाली पीली खुद को एक्सटेंड करना है और कुछ इशू हो गया तो। तो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपने वो सब चीज़ मिस कर दी, तो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंदौर और है अराउंड एक घंटा लगेगा इंदौर पहुंचने में, और जो हमारा डेस्टिनेशन है वो अराउंड 600 किलोमीटर है। अभी यहाँ पे जस्ट सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका था ये होटल के इधर, बहुत ही अच्छा होटल था, खाने के लिए तो सही था, प्राइसिंग भी सही थी और टेस्ट भी सही थी, फ्रेश था। तो अगर आप ये रोड से ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली गो टू दिस रेस्टोरेंट। काफ़ी बड़ी जगह है अंदर और हर एक ऐसे स्टॉल टाइप लगा हुआ है जैसे अपने मुंबई में मॉल में होता है वैसा। मैं नियर देवास और यहीं से अभी लेफ्ट जाना है, अभी हम टच करेंगे मुंबई आगरा हाईवे। नाउ इंदौर इज मोर 38 किलोमीटर्स। कंटिन्यू ऑन मुंबई आगरा नेशनल हाईवे फॉर 48 किलोमीटर्स। दोस्तों अभी इंदौर है मोर 30 किलोमीटर, उसके बाद धुले, उसके बाद नासिक, नासिक का मतलब नासिक आ गया यानी अपना एरिया आ गया भाई। Keep right to stay on National Highway 52. Hello, bhai. How are you? Mast, ekdam mast. तो दोस्तों अभी मैं हूँ महू के एंट्रेंस पे। ये बाल हेलमेट की वजह से बन जाते हैं ऐसे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे मेरे साथ है मेरे महाराष्ट्रियन भाई नयन पाटिल, जो कि महाराष्ट्र है बट महाराष्ट्र से है बट अभी यहाँ पे एमपी में रहते हैं। तो भाई बताओ आपके बारे में। मेरा सर से बहुत पहले का सब्सक्राइबर हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करता हूँ, बहुत बढ़िया वीडियोज डालते सर। थैंक यू, इंस्पिरेशन है एक हमारे लिए। थैंक यू, बाइकर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। और भाई आपका मेरे कुछ YouTube चैनल भी है, YouTube चैनल है नयन पाटिल नाम से, आप सर्च करोगे तो वहाँ पर टेक्निकल गुरुजी के साथ एक फोटो है मेरा। अच्छा, हाँ टेक्निकल गुरुजी के साथ फोटो मींस कोलैबोरेशन? कोलैब नहीं, मतलब इंदौर मीटअप हुआ था उनका वहाँ पर। ओ, वहाँ पे आप मिले थे उनके साथ। अच्छा अच्छा, तो डेफिनेटली दोस्तों जो भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स है मेरे भाई को सपोर्ट कीजिए, पहली एक बार जाके इनका चैनल जरूर देखिए, एक बार आप देखिए आपको पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आता है तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, बट एक बार देखना जरूर प्लीज मेरे लिए। थैंक यू सर, बाय, थैंक यू फॉर वेटिंग हियर, यू आर वेलकम। अरे लाल डब्बा दिख गया, लाल डब्बा हमारी महाराष्ट्र की शान, हमारी एसटी महामंडल धुले विभाग, लाल डब्बा महाराष्ट्र की पहचान। वाह यार, ये गाड़ी का देखकर ऐसे लग रहा है कि मैं महाराष्ट्र में एंटर कर दिया, जबकि अभी महाराष्ट्र में एंटर करना थोड़ा देरी है। वाह क्या शॉट है, क्या शॉट है, वाह वाह वाह। और 521 किलोमीटर से दो। दोस्तों मुंबई अभी और 450 किलोमीटर है, बहुत ही अच्छा हाईवे है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। और अभी आपसे बात करेंगे छोटा राजन। छोटा राजन जी आइए, बता कैसे लग रहा है? कल का दिन के बाद ये रोड पे चलाना एकदम ऐसे लग रहा है कि एकदम रेगिस्तान के बाद जो है वो एकदम हरियाली 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 जैसे हमको मिल गया। कल का बहुत ही टफ रोड था, रोड टफ था और रूट भी थोड़ा सा वन वे था तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो गया था, ट्रैफिक भी बहुत, कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से आ रहा है, कुछ चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो गया था। और आज का तो रोड 470 किलोमीटर जाना है, 470 और जाना है, वो आराम से हो जाएगा, 6-7 बजे तक हो जाएगा। ये क्या सीन है यार,
अरे क्या सीन है यार, ये ऐसे स्पीड ब्रेकर मेरे ये सब लगेज सिस्टम के लिए बराबर नहीं है, पूरे लगेज सिस्टम को लूज कर देंगे। ठीक है, किस तरह का टॉर्चर है ये। अरे अरे क्या डाल के रखा है, एक उधर अरे ओ यार। ये तो ऑलमोस्ट गुजरात हाईवे पे जैसा है वैसा चेक पोस्ट है। ओ हो, मम्मी का फोन है। ना सकाळचा नाश्ता आहे त्याच्यावरच येईल घरी डायरेक्ट। अरे नाही खायला थांबलो की यार, एखादा तास जातो यार, टाइमपास होतो, जेवायला मला नाही आवडत। नाही लागणार, आल्यावर खाईल की डायरेक्ट घरला। हा म्हणजे बनवून ठेव ना, मी येतो 7:30 सुबह 10:30 से अभी 2:30 तक नॉन स्टॉप चला के दूल्हे एंट्री हो गई है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हाईवे है। तो दोस्तों 5:05 और हम हैं अभी नासिक में। नासिक का ये ऊपर का फ्लाईओवर है जो पूरा नासिक सिटी को टच करके सीधा बाहर हाईवे पे जॉइंट होता है। वाह यार क्या राइड थी, मतलब पूरा टाइम खाली चला रहा हूँ मैं गाड़ी, सुबह 10:30 से पेट्रोल भर रहा हूँ गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ दोस्तों अभी बहुत भूख लगी है, मतलब कहाँ पर रुकने नहीं वाला हूँ, मुझे सीधा घर जाना है। इतना मतलब घर जाने की इतना अर्जेंसी हो गई है ना कि नहीं बस भाई अभी किधर नहीं रुकना, सिर्फ घर 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 एंड घर। तो मैं भी आपको मिलता हूँ सीधा घर जाकर। बाय गाइस। सो गाइस अराउंड 7:30 मैं घर पे पहुंच गया अपने उल्लासनगर मुंबई में, एंड ये था मेरा वीडियो। थैंक यू यार आपने इतना बड़ा वीडियो देखा। एक्चुअली 2 दिन के जो फुटेज है वो मैंने एक ही में कर दिया, और अभी तक मतलब 18 मिनट तक जो भी लोग मुझे देख रहे वो मेरे ट्रू फॉलोअर है, ट्रू सपोर्ट है। तो दोस्तों आपके लिए एक चीज़, मैं जल्द से जल्द अपने सब्सक्राइबर राइड प्लान कर रहा हूँ, मीन्स एक सब्सक्राइबर मीटअप काइंड, बट राइड भी रहेगा उसमें। सो लेट मी नो कि मतलब आपको किस तरह की सब्सक्राइबर राइड पसंद आएगी। मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा फार्म हाउस वाला वीडियो है यहाँ पे आई बटन में आ जाएगा, तो फार्म हाउस में लेके जाता हूँ आप सबको, वहाँ पे आपको थोड़ा मजा आएगा, एंजॉयमेंट करेंगे, एक दिन रुकेंगे और फिर आएंगे। या फिर ऐसा करना है कि जस्ट अपना एक दिन जाके आना है, तो जस्ट मुझे बताओ यार आप क्या करना चाहते हो। वो अराउंड आई गेस 175 किलोमीटर है मुंबई से, जो प्लेस है मेरा फार्म हाउस, तो अगर वहाँ पे जाना है तो एक दिन स्टे करेंगे, या फिर अगर एक दिन का ही खाली अगर आप प्लान रहेगा तो लाइक लोनावला, इगतपुरी या मालशेज घाट, किधर भी अपन छोटी सी अपनी राइड कर सकते हैं। तो जो ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं मेरे ट्रू सपोर्टर, मेरे ट्रू फॉलोअर्स, प्लीज़ गाइस कमेंट करिएगा कि कहाँ पे जाना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए। सैटरडे संडे का प्लान रहेगा ये नेक्स्ट वाले, मैं ये बात कर रहा हूँ 3rd and 4th of March के बारे में। तो प्लीज़ दोस्तों बताइए मुझे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कमेंट सेक्शन में फटाफट, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।